ये है मकरई हवेली का नज़ारा। तो दोस्तों देख सकते हैं हवेली का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, जो कि अभी हम वीडियो को बाहर से शूट कर रहे हैं। तो अभी अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ का नज़ारा किस तरीके का है मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। लोगों को जूम करके हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देख सकते हैं हवेली का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। तो हवेली के पास धीरे धीरे चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी ब्लॉगर भी आए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई। तो ये नज़ारा आप लोगों को कैसा लग रहा है ये देखिए, बाहर से काफ़ी पुरानी हवेली है और कितनी बखूबी से बनाई गई है गाइज, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, शायद आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो गाइज हवेली के कितने ऊपर आ गए हैं देख सकते हैं, नीचे लोग कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है गाइज। ऐसे में मन इमारत भी जर्जर हो गई है, ऐसे में सावधानी से वीडियो भी शूट करना है, तो बहुत रिस्क लेकर उठाकर गाइज वीडियो को शूट कर रहे हैं। ऐसे में भाई भी एक लाइक बनता ही है, आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस तरीके का, यहाँ पर कुछ लिखा गया था लेकिन मिट गया है, ऐसे में पढ़ भी नहीं मिल रहा है, अगर पढ़ने में आता तो मैं पढ़ के बताता भाई। बड़े अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है हवेली में अर्पित भाई, ये देख सकते हैं ये किस लिए बनाया गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस, बस केवल हम देख सकते हैं और आप लोगों को दिखा सकते हैं, यहाँ के रहस्य के बारे में हमें नहीं पता है, जो कुछ पता था वो बता रहे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। तो गाइज हवेली के बाहर कुछ इस तरीके का मंदिर है जहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, और मंदिर किस भगवान का है वहाँ तो अंदर चलने के बाद ही पता चलेगा। और चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं यहाँ पे किसका पूजा करने के लिए आते हैं लोग। यहाँ पे कहीं खुला हुआ नहीं दिख रहा है हमको गेट, कहाँ से अंदर लोग एंट्री करते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मंदिर काफ़ी भव्य है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं जिला अम्बेडकर नगर में, हम इस समय मौजूद हैं मकरही में। यहाँ पे एक कुछ सालों पुराना एक मकरही हवेली है, तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, उस हवेली पे हम मौजूद हैं। और काफ़ी अच्छी भयानक हवेली बनी है जहाँ पर राजा पहले किया करते थे। तो आइए चलते हैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाएँगे, और आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और हवेली काफ़ी भयानक है तो आप सब इस ब्लॉग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो काफ़ी अच्छी हवेली है, आप लोग अगर अंबेडकर नगर ज़िले में आइएगा तो इस हवेली पे एक बार घूम के ज़रूर जाइएगा। तो आइए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हवेली का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, जो कि अभी हम वीडियो को बाहर से शूट कर रहे हैं। तो अभी अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ का नज़ारा किस तरीके का है मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। लोगों को जूम करके हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देख सकते हैं हवेली का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। तो हवेली के पास धीरे धीरे चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी ब्लॉगर भी आए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई। तो ये नज़ारा आप लोगों को कैसा लग रहा है ये देखिए, बाहर से काफ़ी पुरानी हवेली है और कितनी बखूबी से बनाई गई है गाइज, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, शायद आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। शायद जो लोग यहाँ इस हवेली पे आए हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, अगर नहीं आए हैं तो भी बताइएगा, और ये नज़ारा कैसा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या है इस हवेली में। तो गाइज हवेली के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, और नीचे देख सकते हैं ये पुरानी टाइल्स हैं, तो धीरे धीरे अब टूट रही हैं, कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे। और ये नज़ारा आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और इधर देख सकते हैं, और ऊपर भी चलेंगे और आप लोगों को ऊपर का भी नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की गई थी, पहले ज़माने में जैसे लोग बताया करते थे कि पहले मशीन नहीं हुआ करती थी, ये सब शायद हाथ से डिज़ाइनिंग की गई है। देखिए सब कुछ शायद लकड़ी से ही बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ की डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी अच्छी की गई है। और ऊपर भी चलते हैं और आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाने का प्रयास करते हैं गाइज। तो दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं हवेली के दूसरे मंजिल पर, और दूसरे मंजिल का नज़ारा देख सकते हैं, और ये नीचे का नज़ारा है, नीचे धीरे धीरे उखड़ पुखड़ रहा है, टूट रहा है, और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं हवेली पे घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और देख सकते हैं शायद आप लोग वीडियो में भी देख रहे होंगे, और ये नज़ारा हवेली का नज़ारा कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी तरीके का और वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देख सकते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने की ये हवेली है गाइज, कितने बखूबी से बनाते थे लोग, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है नज़ारा। और देखिए हवेली का नज़ारा,
गाइस ये देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं और सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं वगैरह वगैरह। तो गाइस हवेली के कितने ऊपर आ गए हैं देख सकते हैं, नीचे लोग कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है गाइस। ऐसे में मन इमारत भी जर्जर हो गई है, ऐसे में सावधानी से वीडियो भी शूट करना है तो बहुत रिस्क लेकर उठाकर गाइस वीडियो को शूट कर रहे हैं। ऐसे में भाई भी एक लाइक बनता ही है, आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस तरीके का, यहाँ पे कुछ लिखा गया था लेकिन मिट गया है, ऐसे में पढ़ भी नहीं मिल रहा है, अगर पढ़ने में आता तो मैं पढ़ के बताता। और देख सकते हैं ये सारा ग्राउंड है, हवेली का ग्राउंड काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और ये देख सकते हैं। और चलेंगे हवेली के एकदम ऊपर, अभी तो दूसरे ही मंजिल पे हैं, काफ़ी डर लग रहा है और चलेंगे। ये देखिए नीचे का नज़ारा दोस्तों, अब हम आ गए हैं हवेली के सबसे ऊपरे मंजिल पे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा, काफ़ी लोग आए हैं इधर देख सकते हैं एंजॉय करने के लिए, काफ़ी लड़के लड़कियाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप लोग अम्बेडकर नगर आइएगा तो मकरई हवेली घूमने ज़रूर आइएगा, यहाँ पे मंदिर भी है, काफ़ी विशाल विशाल मंदिर हैं यहाँ पे, तमाम लोग दर्शन करने के लिए आते हैं दूर दूर से। और हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से तो सारा नज़ारा यहाँ का दिखा देते हैं आप लोगों को, देख सकते हैं। तो गाइस ये नज़ारा आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इधर देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी पार्टी साल्टी मनाने के लिए आए हैं सभी लोग, और काफ़ी लोग आते हैं हमारे साथ, अर्पित भाई हैं तो हम दोनों लोग आए थे और चल रहे हैं नीचे की तरफ और कुछ नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। भाई बड़े अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है हवेली में अर्पित भाई। गाइस ये हवेली का फ्रंट का नज़ारा है और आप लोगों को देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस तरीके का है। और नज़ारा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट के ज़रिए हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं ये देखिए, ये है मकरई हवेली का नज़ारा, ये देख सकते हैं ये किस लिए बनाया गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस, बस केवल हम देख सकते हैं और आप लोगों को दिखा सकते हैं। यहाँ के रहस्य के बारे में हमें नहीं पता है, जो कुछ पता था वो बता रहे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं वीडियो में। ये अम्बेडकर नगर ज़िले में स्थित है ये मकरई हवेली। गाइस ये मकरई हवेली का नज़ारा आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के ज़रिए हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। यहाँ पे कुछ पौराणिक स्थल भी हैं जहाँ पे कुछ विशाल मंदिरें भी बनाई गई हैं, उसको भी आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, तो आइए चलते हैं, मंदिर बाहर है, बाहर के माने कि गेट के पहले ही है मंदिर, तो आप लोगों को मंदिर भी दिखाएंगे। और ये रही हवेली, और हवेली का नज़ारा आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के ज़रिए ज़रूर बता दीजिएगा। तो यहाँ से निकलने वाले हैं तो आप जाते जाते आप लोगों को प्यारा सा मंदिर का नज़ारा दिखा देते हैं। तो गाइस हवेली के बाहर कुछ इस तरीके का मंदिर है जहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, और मंदिर किस भगवान का है वहाँ तो अंदर चलने के बाद ही पता चलेगा। और चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं यहाँ पे किसका पूजा करने के लिए आते हैं लोग। यहाँ पे कहीं खुला हुआ नहीं दिख रहा है हमको गेट, कहाँ से अंदर लोग एंट्री करते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मंदिर काफ़ी भव्य है, ये देख सकते हैं, ये भी शायद मंदिर ही लग रहा है, मंदिर है कि घर है कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइज, ये देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एंट्री करने की कोई जगह नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी जब हम जस्ट आए हुए थे तो यहाँ पे कुछ लोग मतलब कढ़ाई उड़ाई दे रहे थे, तो शायद मुझे लगा ये मंदिर ही होगा, मंदिर ही है, हो सकता है कि कंटिन्यू पर डे नहीं खुलता होगा, किसी दिन इसका समय होता होगा किसी दिन खुलता होगा। इधर हमारी बाइक खड़ी है और हम लोग निकलने वाले हैं, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे फिर किसी वीडियो के साथ, किसी और स्थान के साथ, कुछ और अजीब चीज़ें दिखाएंगे आप लोगों को। और ये स्थान का नज़ारा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।